जब जब नहीं ताई मात तुम तब तब Ah,
Dalian. Yeah.
श्री सीताराम चंद्राय नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम मानो भद्रा कृत वो जंत विश्वाच दाश अपरेता स उद्भिदा दिनो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतर्जो यतां देवाना गुम्रातिरभिनो निवर्ततां मा देवाना सखियामुपसेना सारस्वती नोभगा मयस्करता नो बातो माय बातो वे कजंत माता पृथ्वे तत्ता दियो तदग्रवाणतम निखिया जुव माता मे सारक्षिता पायोर दब्दः स्वस्थ स्वस्ते न इंद्रो वृद्धस्रावा स्वस्ते न भूखा विष्णे मेह स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखादस्वा मरुतः प्रश्ने मातरः शोभन्यराजरसन्तनूनां पुत्राशो जगरपितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीयसेभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। पुरस्ताद्दिशे मतः शुरुचो भे महावः सा
बुद्ध्या उपमा अस्याविष्टाः सतस्रजो निमदेवाय गोब्राह्मणेवाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो भक्तिलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः ओं नमो ब्रह्मांड देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओं बृहस्पते अतियदर्यो अरेहादमद्विभाति क्रतुमज्जः ओं सात्रशीरिखापुरुखः सात्राक्षः सात्रपात सभोमिगुं सर्वतसुतपात्यतिच्छत्तसाङ्गुलां महापुरुख एभेदगुं सर्वान्तर्भूत पुरुखः पादो सभ्यस्वा भूतानि त्रिपाद श्यामि तन्दिभि त्रिपादोर्ध्व अभि तो विराटदाय तद्विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरित्यतपचाद्भूमिमतो पुरः तस्माद्यग्न्या सर्वाहुतः म्याचजे तस्माद्यग्न्या सर्वाहुतरिचः अपन को सिर्फ तिलक लगा के दक्षिणा देना है, बस तिलक लगा के दक्षिणा दीजिए एक मिनट। वहाँ ले जाएं, हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कन्या पूजन के बाद जो कन्याएं हैं इनको वहाँ पर भोजन व्यवस्था पर ले जाकर इन्हें भोजन ग्रहण करवाएं। हाँ, ये जो जो मिलते जा रहे हैं उनके अलावा दूसरी लाइन चालू कर दें आप उस तरफ से, है ना। दो लाइनों में लगा दीजिए। भाई साहब एक एक लिफाफा देना है, तिलक लगाते जाना है। कन्या निकलते भी जाएं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कन्या। तिलक लगाते जाइए, लिफाफा पकड़ाते जाइए और आगे उस तरफ जाने दीजिए। वहाँ जाके पूजन करवाइए तीनों मूर्तियों की। हम जजमानों को भेज रहे हैं, बीजी नगर से जो पटेल साहब आए हैं वो खड़े हो जाएं, है ना। आप खड़े हो जाइए, सब परिवार वहाँ पर पहुँचिए। आप माता जी का पूजन वो ये निकलवाते जाए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंजलिनंदनाय नमः। अंजलिनंदनाय नमः। स्वरूपगुणसंग्रहस्वविभावशो विवाश्वासा परवीताकाशो ओम श्रीशते लक्ष्मी च पद्म बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्ताम् विखण्डिखाणा मुम्मेखाणा सर्वलोकाम्बिखाणा।
उनका भी स्वागत श्री फल के द्वारा हमारे आयोजक पंडित रेवाराम जी हमारे आप उन्हें मंच समिति के समस्त पदाधिकारी गण सभी को है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इसको नदी बना दीजिए। भक्त बोले महाराज नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाती है और कहीं उस बाढ़ की चपेट में हम पड़ गए तो फिर बचना मुश्किल है, तब क्या करें। वो सभी महाराज ने कहा इसमें भी हम हाँ। बोले महाराज इसमें भी आपको ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्या करें। बोले महाराज नदी तो आपने बना दिया लेकिन नदी में भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो बोले महाराज आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो संत हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इसको और छोटा कर दो।
और छोटा कर दे। बोले हाँ महाराज, का इसको कुआ बना दे। हाँ महाराज, इसको कुआ बना दीजिए। यह चरित जे गावै श्री हरि पद पावै, तीना परै भव कूपा। कुआ बना दिया। गोस्वामी महाराज ने कहा आपकी अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले महाराज, नदी में तो जैसे तैसे व्यक्ति बच भी जाए, लेकिन अगर कहीं कुएं में गया तो फिर बचना। तब बोले महाराज, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो संत हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे, और छोटा कर दे। बोले हाँ महाराज, का इसको गऊ के खुर के बराबर बना दे। बोले हाँ महाराज, इसको गऊ के खुर के बराबर बना दीजिए। सादर सुमिरन जी नर करहिं, सादर सुमिरन जे, सादर सुमिरन जी नर कर। कोई परेशानी नहीं है। गोस्वामी महाराज ने भक्तों से पूछा, भक्त हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? इतने बड़े भवसागर को हमने गौ के खुर के बराबर बना दिया, उसमें भी प्रॉब्लम। बोले हाँ महाराज, गौ का खुर बनता कहाँ है? बोले जहां पर कीचड़ होता है, गीली मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, पानी भरा रहता है, वहां गौ अपना खुर रखती है, तभी उसका खुर बनता है। बोले उसको देखना आप बड़े गौर से। बोले महाराज, उसको क्या देखना? अरे बोले महाराज, आप अगर उसको देखेंगे तो आगे तो गहरा रहता है और पीछे उथला, मतलब ऊंचा रहता है। बोले तो उससे क्या दिक्कत है तुमको? बोले महाराज, उसमें पानी भरा है, तो कहीं उसमें हमारा पैर गया और फिसल गए, हो सकता है हमारे दांत टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। बोले तो क्या करें? बोले महाराज, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इसको सुखा दीजिए। सुखा दें? बोले हाँ महाराज। कहा सुखा दें? बोले हाँ महाराज, इसको सुखा दीजिए। नाम ले तो भगो सिंधु सुखा, बराबर बनाने के बाद भी उसको सुखा देते हैं। राम नाम की महिमा जाए, क्या तुझे सुख मिलेगा? उस मछली ने कहा, नहीं, मुझे अपने प्रियतम नील के बगैर सुख मिलने वाला नहीं है।
मैं अपने सुखी मीन जिम नीर अगाधा और जिम हरी शरण ना एक बाधा। जिस प्रकार मछली को जल के बगैर सुख नहीं मिल सकता, उसी प्रकार जीवात्मा को बगैर परमात्मा के सुख मिलने वाला नहीं है। आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम चाहते हो ना, आराम की तलब हो तो एक काम कर। बोले क्या? बोले आराम की शरण में और राम राम कर। जब तक राम राम नहीं करोगे आराम मिलने वाला नहीं। मैं आपसे निवेदन बस केवल आज इतना ही करूंगा कि भगवान की कथा में जो आराम है, भगवान की कथा में जो विश्राम है, वो विश्राम कहीं नहीं मिलेगा आपको, केवल भगवान की कथा में ही मिलेगा, भगवान के नाम में ही मिलेगा। इसलिए आए और आराम ले, विश्राम ले, दो बार प्रभु का नाम ले, इसके बाद में महाराष्ट्र की कथा। हरे राम 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 हरे हरे We'll be right back.
आधे उठे और राधा रानी के चरणों में ये कंजूसी पसंद नहीं। देखो एक बात होता है राज की, क्षमा चाहता हूँ महाराज जी से, बोलने का मेरा इजाजत तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ कि तुमने वो लोग जो ताली बजाते कभी उनको बीमार देखा? मैंने तो किसी हॉस्पिटल में किसी को देखा नहीं। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि हाथों में एक तो प्रेशर होते हैं, ये दबते रहते हैं तो न जाने कौन सा कैसे दब जाए तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए, तुम्हें बुखार भी नहीं आए, जुकाम भी नहीं होगा, गारंटी की बात है। इसलिए ताली बजाने में कंजूसी न करो और अपनी बीमारी को दूर भगाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सीधे हाथ जिन्हें हाथ दिए वो हाथ उठाइए, यूज करो इनका, कुछ तो मेहनत करिए और अपने चरणों में